Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Hello and welcome to The Print. We have with us Savitribai Phule, who is an MP from Uttar Pradesh. She was earlier with the Bharatiya Janata Party. She had quit the party last year in December and now she has joined the Congress, especially ahead of the Lok Sabha elections. Ma'am, so aapne ye decision kyun liya ki aapko is samay Congress join karna hai, BSP-SP alliance kyun nahi? कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान आरक्षण के तहत मैं बहराइच सुरक्षित सीट से मैं सांसद का चुनाव जीत करके आई हूँ जी। और मैं जब लोकसभा में पहुंची तो मुझे पढ़ने को सुनने को देखने को मिला कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं जी। कभी कहा जा रहा है कि भारत संविधान आरक्षण को हमेशा समाप्त करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। बीजेपी का मंत्री बोलता है कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं जी। बीजेपी भारत के संविधान को खत्म करने की एक साजिश रच चुकी है जिसका जीता जागता प्रमाण आपको देखने को सुनने को मिला होगा कि जो 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के जो पूरे देश के दलितों का जो नुकसान हुआ है इससे पूरे तरीके से दलित और पिछड़ा आदिवासी समाज आहत है जी। अगर हमारा देश में बहुजन सुरक्षित है तो भारत के संविधान के तहत सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में जब बीजेपी भारत के संविधान को बदलना चाहती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के दिन ही मैंने बीजेपी को रिजाइन कर दिया और कांग्रेस को हमने इसलिए ज्वाइन किया है कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही रोक सकती है जी। कांग्रेस पार्टी ने देश में इतने सालों तक राज किया लेकिन दलितों और पिछड़ों और मुस्लिम समाज के लोगों का नुकसान इतना नहीं किया जी। जो आज 4 सालों में बीजेपी ने नुकसान कर डाला है। ऐसी स्थिति में पूरे देश का दलित पिछड़ा आदिवासी समाज आहत है। पूरे प्रदेश भर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। दलितों के साथ पिछड़ों के साथ मुसलमानों के साथ अत्याचार अन्याय शोषण हो रहे हैं जी। जिसको टीवी रेडियो अखबार के माध्यम से आप लोग को भी सुनने को देखने को पढ़ने को मिलता है। तो आपको लगता है ये बीजेपी करा रही है? निश्चित रूप से बीजेपी करा रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी भारत पाकिस्तान, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा देकर के ही ये सत्ता में आना चाहती है। आज के तारीख में भारत में मोदी पर लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। एक तरफ मोदी कहते हैं कि हम भारत के चौकीदार हैं लेकिन भारत की चौकीदारी उनकी पहरेदारी में जिस तरीके से हमारे जवानों को 42 जवानों जवान जो शहीद हुए ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। क्या उस समय वो कहते हैं हमारा देश सुरक्षित है? अगर देश सुरक्षित है तो उस समय भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जी। उन्हीं के नेतृत्व में तो ये हमला हुआ जी। और एक हमला नहीं कई कई हमला हो चुका है। तो ऐसे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जो चौकीदार अपने को कहते हैं चौकीदार भारत का सो रहा है जिसके वजह से आज देश में हमारा ना तो जवान सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है। आज पूरा देश अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैम, अभी आपने जैसे सिक्योरिटी की बात की तो अभी आपने देखा होगा पुलवामा में जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएशन में एयर स्ट्राइक भी की लेकिन उसके फिर से पाकिस्तान ने मतलब हमला किया। तो इस सबको आप सुरक्षा के मद्देनजर कैसे देखती हैं इंडिया के हिसाब से? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि जिस तरीके से आज बीजेपी के नेतृत्व में देश में हमला हो रहा है ये कोई पहला हमला नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई बार हमले हो चुके हैं जी। ऐसी स्थिति में देश सुरक्षित मोदी जी के नेतृत्व में नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो नहीं कहते हैं वही करते हैं। इतना झूठा प्रधानमंत्री पहली बार देखा गया। आप उसका जीता जाता प्रमाण भी आप लोग को देखने को सुनने को मिलता है। यही नहीं, अभी कुंभ मेला में जी। जो 4 लोगों का पैर धोकर के उन्होंने पोछा और जिस तरीके से वो नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, इससे पूरे देश का जो समाज है ये तो आहत है। उनका कि पैर धोकर के सम्मान उनका ऐसे नहीं होगा। अगर उनको सम्मान ही करना था तो उनका भत्ता बढ़ा देते जी। उनके बच्चों को अच्छे विद्यालय में एडमिशन करा देते और जिससे वो समाज के लोग आगे बढ़ते। लेकिन ये तो ड्रामा कर रहे हैं वोट के लिए। ये नरेंद्र मोदी जी किसी हद तक जा सकते हैं, इनके पास अब कोई मुद्दे नहीं है। जनता का विश्वास बिल्कुल उठ चुका है।
चाहे अनुसूचित जात हो, चाहे वो पिछड़ी जात हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे वो महिलाएं हो, आज निश्चित रूप से मोदी पर विश्वास इनका खत्म हो चुका है। बस समय का इंतजार हो रहा है कि चुनाव आते ही देश का समाज पूरी तरीके से मोदी के खिलाफ है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा, जिसका जीता जाता प्रमाण भी आपको देखने को मिला कि राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। मैम, बट आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इस बार एक जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक अलायंस कर लिया है, तो इस बार एक ट्रायंगुलर फाइट हो जाएगी, तो आपको नहीं लगता इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा? देखिए, आज की तारीख में देश की जनता अब कांग्रेस सीधा कांग्रेस को ही वोट करना चाहती है जी, क्योंकि भारत हमारा असुरक्षित है, भारत का संविधान आज खतरे में है, देश के दलित पिछड़ा आदिवासी समाज का आरक्षण खतरे में है, बहुजन समाज खतरे में है, इसलिए संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, अपने को सुरक्षित होने के लिए आज देश का बहुजन पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में समर्थन करेगी। और अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही रोक सकती है। उत्तर प्रदेश में चाहे वो सपा हो या बसपा हो, ये दोनों गठबंधन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उस गठबंधन पर अब जनता का विश्वास उठ चुका है। उसका भी प्रमाण है कि जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी लोकसभा में 5-5 बार उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अब दोबारा वापस प्रधानमंत्री बनिए, 5-5 बार। इससे पूरे देश में दलित पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोग चिंतित है कि जब इस तरीके से खुले पूरा दुनिया देख रहा है, लोकसभा में 5-5 बार बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अंदर इनका मोदी जी से कहीं न कहीं संपर्क है। मैम, गौ रक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश में, खासकर राजस्थान में और नेशनली भी मोदी गवर्नमेंट के साथ काफी इस बारे में जब भी उनका क्रिटिसिज्म होता है तो ये बोला जाता है कि गौ रक्षा के नाम पे वो लोग एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज को, वो गौ रक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं लेकिन टारगेट करने के लिए कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं गौ रक्षा का जो पूरा मुद्दा है? देखिए, जहाँ पर गौ रक्षा की बात चल रही है वहाँ पर तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज के तारीख में पूरे देश का किसान, खासकर उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरीके से आहत है जी, एकदम फसल नष्ट कर दिया है, और जिस तरीके से खुली गाय घूम रही है, चाहे वो सड़कों पे चाहे वो खेतों में जी। हम तो देखते हैं कि डेली सैकड़ों गाय का एक्सीडेंट होता है। तो अगर गौ रक्षा की ये बात करते हैं तो उनकी रक्षा क्यों नहीं हो रही है? तमाम गाय एक्सीडेंट करके रोडों पे पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं, तो लोगों का आवागमन बाधित है, उससे तमाम बीमारियां भी फैल रही हैं गाँव के किनारे, अगर गाय मरी पड़ी हुई है तो उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है। अगर उनको इतना ही सुरक्षा है, मैं तो देखती हूँ किसान फसल बो करके तैयार किया है और फसल लहलहा रही है, आज सारी फसल को गाय सब नष्ट कर रही हैं, आज किसान पूरी तरीके से आहत है, तो कम से कम उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। किसान कर फसल तैयार नहीं होगा तो किसान कैसे वो आगे बढ़ेगा? किसानों के लिए अगर पूंजी है तो फसल है, लेकिन आज ना फसल की चिंता है ना उनको गाय की, खाली वो गाय कहते हैं, गौ रक्षा कहते हैं, ये गौ का गाय का नाम लेकर के ये हिंदू मुस्लिम करके ये दंगा कराना चाहते हैं, गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर गाय की रक्षा करनी है तो उसके लिए सुविधा सरकार को देनी चाहिए, उसके लिए गौशाला बनाना चाहिए, सरकार को उसके लिए चारा भूसा की व्यवस्था करना चाहिए, उसको रखने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये तो इनको करना कुछ नहीं है। मैम, राम मंदिर, अयोध्या टेम्पल, इस बारे में भी हमेशा इलेक्शन के टाइम काफी इस पे बात होती है लेकिन अभी तक मंदिर बना नहीं है, आपको क्या लगता है ये मुद्दा इस बार इलेक्शन में रहेगा या नहीं? देखिए, जब जब चुनाव आता है तब तक उनको राम मंदिर दिखाई देती है, जब चुनाव नहीं था हुआ था तो कहते थे हमारी सरकार केंद्र में होगी, प्रदेश में होगी, तो हम राम मंदिर बनाएंगे जी। लेकिन अब कार्यकाल भी केंद्र में पूरा हो गया, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है, लेकिन मंदिर क्यों नहीं बनी? ये मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, मंदिर के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। मैम, अभी आपने भारत पाकिस्तान की बात की तो काफी लोगों का ऐसा मानना है कि जिस तरह से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उसके बाद इलेक्शन में इससे उनको काफी लाभ होने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है, आप कैसे देखते हैं इसे? एक तरफ
हमला हुआ, हमारे 42 जवान शहीद हो गए, पूरे देश मातम में छाया था। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री वो सभा कर रहे हैं जी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा कर रहे हैं, इन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं किया जी। इनको अगर जवानों की चिंता होती तो रैली को स्थगित करते, लेकिन इनको चिंता जवानों की नहीं है, ये केवल जवानों की जो डेथ हुई है उस पर राजनीति कर रहे हैं, वो उस राजनीति करके सत्ता में आना चाहते हैं। आज वो पूरे देश भर में बीजेपी विजय उत्सव निकाल रही है। काहे का विजय, किस चीज का विजय, किस चीज की खुशी आपको हुई है? अगर आपको विजय जुलूस किस बात की निकाली जा रही है, ये भी एक तरफ मातम में पूरा देश छाया है, एक तरफ जिसका पति मर गया, जिसका बेटा मर गया, जिसका भाई मर गया, आज वो मातम कर रहा है और ये विजय जुलूस निकाल रहे हैं। बट मैम, आपने कहा कि मुंह तोड़ जवाब, लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ से एयर स्ट्राइक तो की, मतलब जो सीआरपीएफ का पुलवामा में जो टेरर अटैक हुआ उसके रिस्पांस में इंडिया ने भी एयर स्ट्राइक की, मतलब अपनी तरफ से मुंह तोड़ जवाब तो दिया उन्होंने। अगर मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन एक भी लाश का पता नहीं चल रहा है जी। जिस तरीके से हमारे 42 जवान शहीद हुए, 42 लाशें देखने को मिली, आखिर वो हमला हुआ तो वो लाशें कहाँ हैं जी? तो यही तो जनता को ये गुमराह करने की बात है। मैं तो इस पर सहमत नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ कि मैं भारत के साथ खड़ी हूँ, भारत के सेना के साथ खड़ी हूँ, उनके हिम्मत और बहादुरी का मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जिस तरीके से वो हिम्मत और बहादुरी के साथ आज सीमा पर अपने देश की सुरक्षा में लगे हैं, और जिस तरीके से पूरा देश आज जवानों के साथ खड़े हैं, इस पे यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए वहां पर भी राजनीति कर रहे हैं, जिससे पूरा देश की जनता इस पर भी आहत है जी। मैम, अभी आपने जैसे कांग्रेस अभी ज्वाइन किया है, तो क्या आपके संपर्क में प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी थी, किस तरह से वो, आपने किसकी लीडरशिप को देख के आपको लगा कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, आज का पूरा देश का बहुजन चिंतित है। मैं भारतीय संविधान आरक्षण के तहत मैं सांसद का चुनाव जीत करके आई हूँ, और मुझे लगा कि जब भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है, आरक्षण सुरक्षित नहीं है, बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है जी। और ये बीजेपी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस तरीके से हमारा संविधान सुरक्षित नहीं है, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। मैम, एक प्रश्न और, आप तो बीजेपी के साथ इतने समय से थी, एक जो क्रिटिसिज्म भारतीय जनता पार्टी का ये होता है कि जो सारे डिसीजन हैं, जो सब कुछ किया जा रहा है, वो दो लोग करते हैं, केवल प्रधानमंत्री और बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक सब नाराज है जी। चूंकि वो प्रधानमंत्री है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी। इसलिए लोगों का जो उत्साह होनी चाहिए, वो उत्साह बीजेपी में बिल्कुल नहीं है जी। जितने लीडर है अमित शाह और मोदी को छोड़कर, सारे लोग आहत हैं अंदर से, जो मुझे देखने को मिला जी। निश्चित रूप से बीजेपी में वो जोश नहीं, अंदर दिखाने के लिए कुछ और कहते हो, लेकिन अंदर अंदर खाने में देखा जाए तो लोगों काफी आहत हैं। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, दोनों ये नेता पूरे बीजेपी के नेताओं को का अपमान, ऐसा आप लोगों को भी टीवी रेडियो पर देखने को मिलता होगा कि जिस तरीके से आडवाणी ने पार्टी को खड़ा किया, आडवाणी के साथ में किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी पेश आते हैं, किस तरीके से अमित शाह जी पेश आते हैं, तो ऐसे तो काफी लोगों को देखने में इतना आहत लगता है। और हम तो देखते थे कि मीटिंग में, जब मीटिंग होती थी तो लाल किशन आडवाणी जी आते थे, सारे लोग बैठे रहते थे, उनका कोई अमित शाह नरेंद्र मोदी सम्मान नहीं करते थे, बेचारे जब उठ करके चलने लगते थे तो जो बीजेपी के और नेता हैं वो मोदी के डर के मारे आडवाणी जी से मिलते तक नहीं थे, बेचारे अकेले खड़े रहते थे, अकेले जाते थे आते थे। इस तरीके का अपमान जो मुझे देखने को मिला, एक जिस तरीके से अहंकार मोदी में और अमित शाह में है,
ये अहंकार से पूरा देश भी पीड़ित है और बीजेपी में तो बहुत ही ज्यादा पीड़ित है लोग। मैम थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज नीलम पांडे फॉर द प्रिंट।